प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बार जोर से मन से हिंदी भाषा को नमस्कार करने के लिए, हिंदी भाषा की जय के लिए जयकारा बोलते हैं। हिंदी भाषा की जय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन का 16वां सत्र है। ये एक बड़ा पुराना दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद ये बताए। देखिए, किसी भी सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन उसके काम करने वालों का, जिन लोगों ने इनको शुरू किया है और समिति को चला रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। दूर दूर से आए हमारे आगंतुक अतिथिगण, सुशीला जी, कविगण अर्चना जी, आप भी, आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मिश्रा जी आपकी कविता बाद में सुनेंगे, लंबी वाली बैठ के हम उसको बंदिया बात के पीछे, संगीता जी, जो भी देखिए इस काम को चलाने के लिए, वो भी आई, आप ही का वेट कर रहा था मैं, क्योंकि आपकी कविता हमने बहुत ही सुनी थी, ऐसी बात नहीं है। पत्नी है जिसका वेट कब कहां करती है, दोस्त मेरे चिंता में ना रहो, आ जाओ। तो पॉइंट ये था कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन को जो चला रहे हैं, और भाई साहब मिश्रा जी ने ठीक बात कही कि ये प्रोग्राम हर वर्ष होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए। देखिए, भाषा सहज स्वरूप है हमारे धर्म और संस्कृति को चलाने के लिए, और इस देश में जिस तरह से भाषा लुप्त होती जा रही है हमारी, हम लोग तो फिर भी बोलते हैं, समझ लेते हैं, बच्चे लोगों से हो तो वो, हम भी उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं, बेटा वेयर वर यू, बेटा वेयर आर यू गोइंग, तो वो हिंदी में जवाब हमको क्यों देंगे। मेरे जो टॉपिक दोनों आने वाले हैं, मैं उसकी भूमिका बांध रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि देखिए आपने हिंदी में खेल बहुत खेले होंगे, हिंदी में बहुत से खेल हम खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, दुनिया भर के गेम होते हैं, अंताक्षरी। ये अगला जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली हमारी जो है, वो आपको हिंदी खेल खेल में कैसे किया जाए उसके बारे में बताएंगी। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है, दिल्ली से छात्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, देखिए आप मूवी में ज्यादा देखती हैं, लगता है आप मुझे आवाज है, मूवी देखना छोड़िए, आप हिंदी में ध्यान लगाइए, हिंदी मूवी देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुरानी छात्रा सरोजनी गुप्ता जी मेरे शहर की हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में काफी पता भी रहता है। शादी की किसी और से वैसा हो, आगे आ जाओ, क्योंकि आप भी आगे आ जाओ, अकेले बालकनी में क्यों बैठे हो अकेले, आप वो आपसे डर रहे हैं, नहीं उससे डरने की क्या बात है, उससे छोटा सा आदमी हूँ। देखिए, तो उसके लिए मैंने मुझसे कहा था बहुत कम टाइम लेना, टाइम ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग अभी आए नहीं थे, समझो आप, मैं तो आपके लिए क्राउड इकट्ठी करता हूँ, काम होता है अपने सब लोगों को इकट्ठा कर लेना, तो वो सब हो गया है। सरोज जी ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर में, यू नो, ये आपको खेल खेल में हिंदी के बारे में बताने वाली है, और जानता मैं भी, लेकिन पिछले दो जनों को बोला था कि मैं ही बताऊंगी, आप मेरे टॉपिक के बारे में कुछ मत बोलना। तो एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें सरोज गुप्ता जी का। अच्छा जी, ध्यान रखें, मैं आपको दो बार नोटिस दूंगा, एक 10 मिनट का और एक 5 मिनट का, टाइम से पहले, और सत्र के अंत में अगर किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और आपका समय शुरू होता है अब। जोरदार तालियों से स्वागत करें सरोज गुप्ता जी। मैं इस खेल के बारे में पहले कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले जो जो इसमें भाग लेगा उनका चुनाव होगा, और इसके लिए जितने हिंदी भाषी हैं वो भाग नहीं ले सकते। तो हाथ खड़ा करो, हिंदी भाषी कौन नहीं है, स्वप्न जी को मैं जानती हूँ, 2-3 आप सब कृपया इस तरफ आ जाइए, नहीं है एक तरफ क्यों नहीं है, मातृभाषा जिनकी नहीं है, मातृभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं हिंदी,
जो हिंदी भाषी नहीं है आप भी फिर इसमें भाग ले सकती हैं बेटा, जो जो हिंदी भाषी नहीं है परिभाषा क्या है? मातृभाषा दूसरी है, दूसरे प्रांत के हैं। चलो फिर ये कितने छोटे बच्चे थे, छोटे ठीक है, पैदा होने के बाद हिंदी समझते हैं, बोलते नहीं, समझ जाते हैं, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बोलते हैं सरोजनी जी, बोलते हैं वो, नहीं नहीं सुनो बच्चे यही के हैं ना, यही के बच्चे हैं, तो दैट्स दे आर गुड। उपाध्याय जी आदि आइए भैया जी, किधर है हम भी हिंदी के निकलते नितिन जी, आप ये बताइए कि चांदी के सिक्के देंगे आप इनाम में तो सब आपके पास सोने के नहीं चांदी के सिक्के देंगे यहाँ पे सोने के सिक्के सब इधर ही आ रहा है आप पीछे से सामने आप और हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जने भाग लेने वाले हैं इस खेल में और वो निर्णायक है। मैं ये खेल खिलाऊंगी। सबसे अच्छी बात ये है इस खेल में खेलने वाले, खिलाने वाले और देखने वाले सबके सब आनंदित होकर जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रयत्न करेंगे अंग्रेजी का शब्द प्रयोग में नहीं लाए। अब मैं खेल समझाती हूँ कि कैसे खेला जाएगा। मैं आप सबको एक एक करके बुलाऊंगी। मेरे हाथ में कागज है, आप एक कागज उठाएंगे और उस पे जो विषय लिखा हुआ है उस विषय पर एक मिनट के लिए हिंदी में बोलेंगे। आप अंग्रेजी का शब्द प्रयोग में नहीं ला सकते और अगर लाएंगे तो वो आपकी गलती मानी जाएगी और वो गलती यहाँ पर जो निर्णायक हैं अपने कागज पर लिखते जाएंगे। जितनी गलतियाँ आप करेंगे उतने कम नंबर पाएंगे, जितनी कम गलतियाँ करेंगे उतने ज़्यादा नंबर पाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, उसके बाद जो प्रथम आएगा यानी जो कोई गलती नहीं करेगा या सबसे कम गलती करेगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा और दूसरे को भी मिलेगा। हो सकता है दो लोग प्रथम पुरस्कार जीतें, दो द्वितीय जीते, तो वो सब मैं तैयारी करके लाई। तो अब हम खेल शुरू करते हैं। तो इनाम इन्हीं को मिलेगा, चिंता ना करो, मॉडरेटर तो मैं हूँ। और एक एक को बारी बारी बुलाती हूँ।
Did you understand? आज पद्मी को होना चाहिए था, वही जीतती. वही जीतती. You have to speak in Hindi. पता नहीं था इसे. स्वाति जी सबसे आगे बैठे हैं. स्वाति जी का नंबर पहले आया. स्वाति जी पसंद आपकी. गलतियां तो बहुत होनी है. हम और हमारा परिवार. अब स्वाति जी आपके सामने एक मिनट के लिए इस विषय पे बोलेंगे. दो मिनट के लिए. एक मिनट. हम और हमारा परिवार. हम और हमारा परिवार रहते हैं ह्यूस्टन टेक्सास में. आए हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र भारत से. हमारे परिवार में मैं पल्लवी और हमारी बेटिया ईशा है. दूसरी बेटी का नाम नहीं काम, काम, काम नहीं एक ही है. अंग्रेजी अंग्रेजी प्रयोग करो. चिंता काम बोलो. नहीं, नहीं काम नहीं बोलूंगा. हमारे यहाँ बहुत अनेक बहुत बड़ा परिवार है हमारा. पल्लवी के इसके भी नंबर कर देंगे. चार बहने भी यहाँ रहती है. उनके जो है एक्सटेंडेड कुटुंब हमारा है. तो मेरे बहुत अच्छी कोशिश की स्वामी जी ने. वो बस इतना ही बोलना चाहता है. इसको 30 सेकंड देना. किताबों की दुनिया. अब ये मैं अंग्रेजी में नहीं करूंगी क्योंकि आपको हिंदी में बोलना है. बोलिए इनका विषय है किताबों की दुनिया. इनका शुभ नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए. अरुणा. बहुत सुंदर. बोलिए किताबों की दुनिया में बहुत सारी किताबें होती हैं. शाबाश शाबाश. बहुत अच्छा. वेरी नाइस. वीडियो ले रहे हैं. बहुत अच्छा. रिपोर्टिंग कर सकोगे इसको? हाँ पूरी. और हमें 2-3 दिन के अंदर भेज देना. बहुत सारे. 3 के बाद भेजेंगे. 3 तारीख के बाद. बहुत अच्छा. मैं भी शाबाश. दुनिया के लोग आप बता सकते हैं. आप मेरी बेटी के साथ खड़े आपका भी बहुत अच्छा बोला. बस युवा पीढ़ी के लिए तो काम हो रही है यहाँ पे. तो नहीं हो रहा है. और आपको पढ़ने में सुविधा हो तो मुझे बताइए. राम मेरे भगवान. अपना शुभ नाम बताइए. पूरा नाम. अनुष्का सूर. राम मेरे भगवान. उसको सारा कुछ पता है. मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं. राम बाबा जी के बारे में सोच के बोलो. सोच के बोलो. परिवार. राम सब्जेक्ट सोचने को बताएंगे.
एक टाइमर भी होना चाहिए, घंटी बजा के पत्नी राम सीता लक्ष्मण राम की पत्नी सीता है और ये तो चोरी करवा रहा है कोई बात भाई और उसका परिवार लक्ष्मण और थोड़ी देर मन होगा तो चली जाएगी, कोई छोड़ देना चाहिए छोटी डिसिप्लिन अर्जुन ये वाला पढ़ो, अर्जुन ये वाला पढ़ो, म्यूजिक आप बताओ कि मैं शिवा आंटी से क्या सीखता हूँ। अपना नाम बतलाइए कृपया, अपना नाम बतलाइए, अर्जुन सिंगल शाबाश शाबाश। बोलो बेटे माँ बाप का नाम भी बता दे सबका यार। गीत संगीत या गीत संगीत के ऊपर बोलिए, आपको संगीत में रुचि है ना तो उसके ऊपर बोलिए, कुछ भी बोलिए जो इच्छा हो, हिंदी में बोलिए। आप क्या सीखते हो? अभी 50-40 सेकंड और है। उसके बारे में बताओ जो आप सीखते हो। सुनना वो अच्छा लगता है। वेरी गुड बेटा, जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। माँ बाप का नाम बताओ अपने का। एक गाना सुना दो, एक गाना सुना दो, अच्छा गाना सुना दो, हाँ वो भी गीत संगीत होगा, गाना सुना दो। चलो बता लिया बुला बच्चे, बहुत थैंक यू वेरी मच। हिंदी सिपाही का, हिंदी सिपाही का, कोई नहीं बेटा वेरी नाइस। बच्चों को बोल दो कुछ भी बोला, बहुत अच्छा, खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, कोई बात मंच पे खड़े होना बहुत बड़ी बात है। आज भी कौन मेरा नाम पॉल है और मेरे विषय अपने सपने मेरे अपने सपने मेरे अपने। अब शुरू कीजिए। मेरे सपने ये है कि हर एक लोग जैसा ये बच्चा जो अभी बातचीत थी और हम सब दूसरों के साथ साथ बातचीत कर सकते हैं और दूसरों की अंदर उसके के मन की कविता समझ सकते हैं और सुन सकते हैं एक दूसरे से और ये मेरे सपना है कि ये हमारे सृष्टिकार हमारे भगवान हमारी परमात्मा जो हमने बनाए हैं हम सब उसकी इच्छा के तेरा फॉलो के पीछे बात के पीछे चलना चले बहुत मीरा जी थोड़ा बड़े से कर लीजिएगा आवाज आपके पास।
शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है और मेरा विषय है कल करे सो आज तक। विषय तो बढ़ गया है लेकिन आज तक कल करे सो आज कल ये तो कभी हुआ ही नहीं। परीक्षा जब नजदीक आती थी सोचते थे कि पहले 15 दिन पहले ही रिवीजन शुरू करे, बट ऐसा होता नहीं था कभी भी। और आज की बात अब तक आप पहुंचती थी तभी तभी कोई है ना कभी कोई बात करती नहीं थी। लेकिन हम महाराष्ट्र बम्बई से हैं, हिंदी वहाँ बहुत ही उल्टी पुल्टी बोली जाती है, वैसे भी बोल के बड़े हुए हैं। और हिंदी पिक्चर हिंदी हिंदी सिनेमा देखने ही बड़े हुए, तो हमने तो यही सुना कि कल करे सो आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है दोस्तों जब जिंदगी है परसों। मेरा नाम चारु व्यास है, मेरा सब्जेक्ट है स्वाभिमान। मेरा विषय है स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी कि अपने खुद का मान रखना। बस यही एक बड़ा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सबको पता ही है गांधी जी जब अफ्रीका में थे और वो अपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में पास हुए तो पैदार हो रहे थे, तो उनको जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर स्टेशन बिठा दिया क्योंकि आप सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आप काले हो। तो स्वाभिमान के लिए गांधी जी ने पूरी जिंदगी लड़ी, वहाँ भी उन्होंने लड़ाई की, फिर अपने देश में आके अपने देश को आज़ाद करने के लिए और अपने देश के लोगों के स्वाभिमान के लिए हो जाए। स्वाभिमान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्वाभिमान करना। तो हर एक को अपना स्वाभिमान ध्यान में रखना चाहिए और स्वाभिमान के लिए जो भी लड़ाई लड़नी हो वो लड़नी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच नितिन जी। हाँ जी, मेरा नाम है नितिन व्यास और मेरा विषय है आशावादी विचारधारा। आशावादी विचारधारा नहीं होनी चाहिए, निराशावादी होने से कुछ फायदा नहीं। योग कार्येषु कौशलम् कृष्ण ने गीता में बोला है, समझिए जिंदगी में उतारिए। मैं भी आशावादी था, जो मैं 22-23 साल का था एक लड़की को प्रपोज किया, उसने नाम उसके पीछे पड़ गए बाद में।